हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का आशा फाउंडेशन अवेकनिंग बियॉन्ड में स्वागत है। तो आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस, या फिर आप रोटी में भी इस सॉस को खा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये पिज़्ज़ा या पास्ता में यूज़ हो सकता है, आप इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, और एज यू कुछ चीज़ें आपको डालनी ही पड़ेंगी। तो रेसिपी को बताने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि पिज़्ज़ा या पास्ता भर के लिए ज़रूरी है, आप इसे रोटी पराठा पूड़ी सब में खा सकते हैं। तो ओके, इसके लिए हमें बिल्कुल रेड कलर के टमाटर चाहिए होंगे जो पके हुए हों, और उनका हमको ब्लांच करना है। तो अच्छे गर्म पानी में उबलते पानी में इसे डालकर 2 मिनट बस उबाल लीजिए, जिसमें इसके छिलके निकल जाएं। और इसकी जो आइज़ है वो मैंने बताया किस तरीके से निकालना है, और छोटा थोड़ा सा कट कर देंगे प्लस साइड के उसमें, जिसमें कि ये आराम से इसमें गर्म पानी में आराम से ये फटाक से इसके जो छिलके निकल सके। तो इस तरीके से आई निकाल कर और इस तरीके से हम कट करके देन इसको हम ये देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है अच्छा, और इसको हम पानी में डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट भर रखना है, इसे ज़्यादा नहीं रखना है, काफ़ी हो जाएगा, छिलके भर निकालने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके बीज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीड नहीं चाहिए होंगे। 2-4 सीड रह जाएं कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा सीड नहीं चाहिए होंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल के हम इसको अलग से निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से आराम से ही आपका ये इसका छिलका निकल जाएगा, और इस तरीके से इसके सीड्स भी निकाल लीजिए। तो इसका भी फिर बाद में जो है जूसी जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। तो मैंने अनियन चॉप्ड की है बिल्कुल बारीक, और ये टमाटो जो हमने इसको ब्लांच किया था इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। चाहे तो आप मिक्सी में एक बार कर सकते हैं, क्या है थोड़ा सा क्रंचीनेस चाहिए होगा। तो बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल पीस लीजिए, और जितना जो हमारा बचा था तो इसको हम पूरा इसका पानी और जो इसका जूस है और ये सीड्स हैं इसका सब बकायदा पूरा इसका आप निकाल लीजिए, जूसी है जो। उसके अलावा ये देखिए उसके अलावा आपको चाहे तो, मैंने गार्लिक को यूज़ नहीं किया है, गार्लिक नहीं खाते हम लोग तो नहीं यूज़ किया है, ये अदरक बस यूज़ किया है, और वही जो मैंने चॉप्ड अनियन किए थे वो। और इस तरीके से आप इसको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट बस, थोड़ा सा बस प्याज भुनेंगी कि आप टमाटर डाल दीजिए और जो हमने प्योरी निकाली है वो डाल दीजिए, और रेड कलर की ये जो मिर्ची है पाउडर डाला है मैंने, ये काश्मीरी है जो कलर के लिए यूज़ की जाती है वो है। और इस तरीके से आप इसको डाल लीजिए। इसका कलर लाने के लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगी, वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए जब ये अच्छा उबल जाए, यानी कि आपका पानी हो जाए बिल्कुल लास्ट में, जब थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे तब, क्योंकि अगर आप शुरू से ही अगर आप चुकंदर डाल देंगे तो वो पूरा गल जाएगा इसके अंदर और पक जाएगा। तो अब ये हमने चुकंदर के 2 पीस डाले हैं, और उसके अलावा आप मसाले में क्या क्या डालेंगे, नमक है, और मेरे पास ड्राई बेसिल थी वो है, काली मिर्च का पाउडर है, और ऑर्गेनो है, और चिली फ्लेक्स है, और ये मतलब तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है वो है। और इसके अलावा मेरे पास पिज़्ज़ा ये सीजनिंग थी तो वो भी मैंने डाल दिया है। देखिए कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो अगर नॉर्मल सिर्फ एक ये चटनी बनाकर रखना है तो आप वैसे भी बना के रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर वो शुगर डालना है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, पर मैंने ये टोमेटो केचप जो है वो डाला है, 2 से 3 चम्मच डाले हैं। तो आप देख लीजिए आप किस तरीके से चाहिए। तो मैं तो थोड़ा सा जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, ऑथेंटिक जैसे बनाया जाता है पिज़्ज़ा सॉस पास्ता सॉस, वैसे बनाया है। पर आप जैसा चाहें कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, चाहें तो आप विनेगर डाल के रख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये 1 महीने तक आराम से आपका फ्रिज में भी चल जाएगा ये। उसके अलावा भी अभी आप 1 हफ्ते तक तो आराम से इस चटनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें सीजनिंग नहीं डालेंगे तो आप इसको सब्जी वब्जी में भी डाल सकते हैं इस चटनी को। तो ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। और
और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू ऑल।